तो फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको मैगी बनाना सिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए मैगी बनाते हैं। तो आपको सबसे पहले कढ़ाई में आधा लीटर पानी दे देना है, ठीक है दोस्तों। अब हम मैगी को कट करते हैं, कट करके इसमें डालेंगे। दोस्तों हम इस मैगी को तोड़ के इसमें डालेंगे। पहले गैस ऑन नहीं करेंगे, ऑफ करेंगे, फिर उसके बाद इसमें तोड़ के डाल देंगे। ज़्यादा टुकड़ा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा कर देंगे। चलिए हम कर लेते हैं। अब मैं मैगी को अच्छे तरीके से टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है, थोड़ा सा नहीं किया है तो हम इसको नहीं करने देंगे। फिर इसके बाद हम गैस को ऑन करते हैं। दोस्तों ये हमारा गैस ऑन हो चुका है और हम इसको पकने देंगे थोड़ा देर, ठीक है दोस्तों। हम इसको थोड़ा देर पकने देंगे, फिर उसके बाद हमको मैगी के अंदर एक मसाला टाइप का मिल जाता है। ये दोस्तों मसाला, एक और मसाला को इसमें मैगी में डालेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी इसको थोड़ा देर पक जाने देते हैं, फिर उसके बाद हम मसाला डालेंगे। तो हम इस तरह इसको चलाते भी रहेंगे, थोड़ा सा पक जाने देते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम मसाला उसका डालेंगे। अब हम इसको इस तरह करते रहेंगे। दोस्तों हम अच्छे तरीके से इसमें मसाला डाल देंगे पूरा अच्छे तरीके से। दोस्तों हम इसे पूरा अच्छे तरीके से मसाला डाल देंगे। दोस्तों मसाला डालने के बाद हम इसको पूरा अच्छे तरीके से मिला देंगे। तो मिला रहे हैं, तो हम इसको ऐसे ही 10 सेकंड तक छोड़ देंगे। दोस्तों अपने स्वाद के अनुसार इतना नमक डाल देंगे और फिर उसके बाद हम हल्दी डालेंगे। दोस्तों हम एक चिटकी हल्दी डाल देंगे। हम इसको पूरा अच्छे तरीके से मिलाएंगे। दोस्तों हम इसको मिला रहे हैं। लगभग इसको एक मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे, थोड़ा देर मिला लेते हैं। फिर उसके बाद हम इसको एक मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। तो मेरा धीरे धीरे पक रहा है, जब तक इसका रंग नहीं आ जाता, मतलब मैगी का येलो रंग नहीं आ जाता तब तक हम इसको निकालेंगे नहीं, तब तक इसको तक नहीं देते हैं। अच्छे से दोस्तों अब हम इसको गरम गरम परोसेंगे। हम इसको निकाल रहे हैं।
दोस्तों हम इसको टेस्ट करते हैं कैसा बना है। तो अब हम इस मैगी को टेस्ट करके देखते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा हुआ है और अच्छा बना दिया है। दोस्तों ये बहुत अच्छा बना है। आपको तो मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में मुझे करके बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।